रामगढ़ के गढ़के प्रखंड में मनरेगा योजना से बनाए गए तालाब को मिट्टी से भरकर छोटा किया जा रहा है, लेकिन जिले के संबंधित अधिकारियों के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ग्रामीणों की माने तो पेयजल पाइप बिछाने वाली कंपनी के लोग जमीन माफियाओं के साथ मिलकर तालाब की जमीन लूटने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम अभी गढ़के गांव के तालाब के समीप खड़े हैं, जो मनरेगा का तालाब है। आप देख सकते हैं कि इस तालाब की खुदाई जेसीबी मशीन से की जा रही है और इस तालाब को और भी गहरा किया जा रहा है। नियम अनुसार जितना गहरा इसमें किया गया है उससे गहरा नहीं होना चाहिए और ये लंबा चौड़ा तालाब है। आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा यह तालाब है, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा तालाब को छोटा कर उस तालाब की जमीन पर कब्जा करने का काम शुरू किया गया है। और ये जमीन पर कब्जा क्यों किया जा रहा है इसका जवाब यहाँ पे तो देने वाला कोई नहीं है। बगल में ही पानी सप्लाई के लिए पानी टंकी बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं उसके लिए पाइप भी यहाँ पे बड़े बड़े पाइप भी हम लगे हुए हैं। यहाँ जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उसका कहना है कि पानी सप्लाई का जो ठेकेदार है उसके आदेश पे इस सरकारी तालाब को वो लोग कोड़ने का काम कर रहे हैं, गहरा कर रहे हैं। और जो तालाब का जो जमीन है उस पर वो सड़क निकालेंगे, ऐसी बात ये कर रहे हैं। ये जो गांव है उसका ये तालाब है, इस तालाब की को छोटा करके सड़क निकालने की बात हजम नहीं हो रही है। अब ये तो जांच का विषय है कि इसके बाद कौन इसमें जांच करेगा, कौन अधिकारी ये बतलाएगा कि ये तालाब की जो जमीन है उसको छोटा करने का आदेश किसने दिया और अधिकारी आगे क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला समय बतलाएगा। मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज 11 भारत, रामगढ़। और इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।